सोलन अस्पताल अब रोगियों के इलाज का स्थान नहीं बल्कि अब राजनीति का अड्डा बन चुका है। यहाँ एक और भाजपा के नेता अस्पताल में चल रही डॉक्टरों की कम संख्या पर लिपापोती कर रही है। वहीं अब कांग्रेस अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा को लगातार निशाने साध रही है। आज भी कांग्रेस के पूर्व पार्षद अमन सेठी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए और उन्हें हर मोर्चे पर विफल बताया। पूर्व पार्षद अमन सेठी ने भाजपा को घेरते हुए अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोलन अस्पताल में तैनात चिकित्सक वेतन तो सरकार से ले रहे हैं, लेकिन अब अपने निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं। यही वजह है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही है और अगर इस पर अस्पताल प्रशासन नकेल कस दे तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। वहीं उन्होंने भाजपा मंत्री राजीव सहजल को घेरते हुए कहा कि कसौली में गोलीकांड हुआ तो मंत्री जी खामोश रहे, सोलन में अनशन हुआ तब मंत्री जी खामोश रहे, जिससे यह प्रतीत होता है कि मंत्री पर भाजपा नेताओं का दबाव है या भाजपा नेता उन्हें यहां स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। यही कारण है कि सोलन का विकास नहीं हो पा रहा है। जो भाजपा के भाजपाइयों के नेता जो कागजी कार्रवाई में बोलते हैं कि 22 डॉक्टर थे हमने 28 कर दिए, 28 से हमने 30 कर दिए, तो वो कागजों का आंकड़ा अपने घर में रखें और सोलन की जनता को फैक्ट बताएं, फैक्ट दिखाएं। तो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी सरकार की मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने? इनको उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग। कसौली का जो कांड हुआ था उसमें भी हमारे जो डॉक्टर सैजल जी हैं, मंत्री हैं यहाँ से, जो हमारे जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैबिनेट में और भाजपा की सरकार है, उसमें वहाँ भी उनकी चुप्पी रही। अब 8 दिन से जो हमारे यहाँ बच्चे अनशन पे बैठे हैं उनको 8 दिन बाद जाके आप उनका अनशन तोड़वा रहे हो, आप पहले दिन क्यों नहीं गए? तो कहीं ना कहीं ये है कि डॉक्टर सैजल जी के ऊपर यहाँ पर बिंदल जी का फैक्टर बहुत हैवी है, वो उनको यहाँ चलने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही दबाव रहेगा तो हमारे सोलन का विकास होना बहुत मुश्किल है।